तेज प्रताप की शादी अब टूटने के कगार पर पहुंच चुकी है और ऐसे में तेज प्रताप अपनी पत्नी को तलाक देना चाहते हैं और अब सब लोगों की निगाहें तेजस्वी पर टिकी हैं। लेकिन तेजस्वी का क्या होगा? ऐश्वर्या से अगर शादी हो जाती है तो शादी के बाद इनका भविष्य क्या होगा? दरअसल बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव का अपनी पत्नी से अलग होना अब राजनीतिक बहस का मुद्दा बन चुका है। जनता दल यूनाइटेड के विधायक ददन पहलवान ने कहा है कि लालू यादव के परिवार ने एक यादव लड़की का भविष्य खराब कर दिया है। साथ ही उन्होंने इस मसले से निपटने का फॉर्मूला बताते हुए कहा कि लालू यादव के बेटे ने जो किया है उससे यादव समाज में जगहंसाई हो रही है। एक लड़की के भविष्य को लालू के परिवार ने बर्बाद कर दिया है। डुमराव से जदयू के विधायक ददन पहलवान ने कहा कि लालू यादव को जल्द से जल्द बिहार की यादवी परंपराओं के तहत ऐश्वर्या की शादी छोटे बेटे तेजस्वी यादव से करा देनी चाहिए, क्योंकि उनका बड़ा बेटा तेज प्रताप साधु हो गया है। यादव धर्म में ऐसी परंपरा रही है कि अगर किसी कारणवश बड़ा बेटा अपनी पत्नी को छोड़ देता है तो घर के छोटे लड़के से उसकी शादी करा दी जाती है ताकि घर की इज्जत घर में ही रह जाए। अगर लालू यादव ऐसा नहीं करते हैं तो वे यादव बिरादरी में कहीं जाने लायक नहीं रहेंगे। बता दें कि तेज प्रताप यादव ने पिछले साल नवंबर में ऐश्वर्या से तलाक लेने के लिए कोर्ट में अर्जी दी थी। इस पर सुनवाई अभी चल रही है। इसके अलावा बताया जा रहा है कि तलाक की अर्जी देने के बाद अभी तक तेज प्रताप यादव परिवार से अलग रह रहे हैं। उन्हें समझाने की तमाम कोशिशें अभी तक फेल रही हैं। अब उनके विरोधी दल के विधायकों ने ये नई बहस छेड़ दी है। बता दें कि राबड़ी देवी की सरकार के दौरान वे राज्य मंत्री भी रह चुके हैं, लेकिन अब वे जदयू के विधायक हैं। लालू यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव की शादी करवाने की बात कही जा रही है, पर यहाँ हम बात उनकी शिक्षा से जुड़ी हुई थोड़ी सी कर लेते हैं कि आखिर क्यों और किस लिए ये शादी करवाई जा रही है और क्या भविष्य हो सकता है। बड़े बेटे से शादी करवाई गई, पढ़ा लिखा नहीं है, इस वजह से ऐश्वर्या की उनसे बनती नहीं, तो छोटे बेटे की पढ़ाई के बारे में भी जरा जान लीजिए। तेजस्वी भी 10वीं पास नहीं है ऐसा कहा जा रहा है, उन्होंने 9वीं कक्षा उत्तीर्ण की है। लालू के बेटे होने के कारण तेजस्वी का राजनीति में दखल थोड़ा ज्यादा रहा, लेकिन पढ़ाई के मामले में वे दूसरे बड़े नेताओं के बेटों से काफी पीछे हैं। पढ़ाई के मामले में लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव का भी यही हाल है, जैसा कि हमने बताया। फिर ऐश्वर्या और तेज प्रताप के जैसा ही कहीं फिर तेजस्वी का भी हाल न हो जाए तो तेजस्वी के भविष्य का क्या होगा? इसलिए अच्छा है कि बेमेल की शादी नहीं करवाई जाए, लेकिन अब यादव कुल के जो शिरोमणि हैं वो उठ खड़े हुए हैं, तो अब उन्हें कौन समझाए? क्या हो सकता है इस मामले पर जो कि बेहतर हो दोनों के लिए? दे अपनी राय और सुझाव। नेक्स्ट 9 भोजपुरिया के लिए शशि प्रिया सिंह की रिपोर्ट।